हेलो एवरीवन। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 12th के हिंदी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको काव्य खंड यानी पोएट्री सेक्शन को पढ़ाया जा रहा है। और इसमें आज के क्लास में हम लोग जो दूसरा चैप्टर है इसका, जो सूरदास का पद है, उसको समझने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग सूरदास के बारे में कुछ बातें समझेंगे, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होगा। उसके बाद इनके जो दो पद है उसको लाइन बाई लाइन एकदम गीत के धुन में समझेंगे, और ताकि पढ़ने में ही उसको समझने में काफ़ी आनंद मिले आप सबको। और देखिए, पिछले चैप्टर में जो पिछले वीडियो में जो इसका पहला चैप्टर था कड़बक, मलिक मोहम्मद जायसी का, उस कड़बक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, फिर उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स का वीडियो बन चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम सूरदास के बारे में कुछ बातें आपको समझाते हैं। तो देखिए, सूरदास की अगर चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ कि सूरदास का जन्म हुआ था, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो दिल्ली के नज़दीक, यानी दिल्ली के नज़दीक ही एक जगह है जिसका नाम है सीही। तो दिल्ली के नज़दीक सीही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और फिर आपको बता दें कि ये थोड़े ज़्यादा समय तक जीवित रहे, और इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो इनका मृत्यु जो है 1586 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इनका निवास स्थान की अगर चर्चा किया जाए कि भाई ये रहते कहाँ थे, तो जनरली इनका निवास स्थान तीन जगहों पर था, ठीक है। कौन कौन, तो एक जगह था गौघाट, ठीक है, एक जगह था वृंदावन, और देखा जाए तो एक और जगह था पारसोली। और आप सबको पता है कि इन तीनों स्थानों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से था, और चूंकि ये कृष्णमयी धारा के कवि थे, ये कृष्ण भक्ति में बहुत सारी कविताएं लिखा करते थे, ठीक है। और ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए कृष्ण से जो संबंधित जगह है यहाँ पे ये निवास करते थे। ये तीन जगह पर इनका निवास स्थान था, ठीक है। आगे चले तो आपको बता दें कि स्वाध्याय द्वारा, यानी कि इनको ज्ञान का अर्जन जो है, ठीक है, स्वाध्याय से हुआ, यानी खुद से, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो अध्ययन करके और ज्ञान अर्जित किए थे। इनके गुरु भी थे वैसे, जो आगे चलकर इनको दीक्षा दिए थे, उनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है, ठीक है, ये ठहरे इनके दीक्षा गुरु। इन्होंने इनको दीक्षा दिया था, ठीक है, जिनका नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो इसको भी ध्यान में रखना है। सूरदास के बारे में एक बात जो लगभग सबको ही जानता है कि सूरदास जो थे ना, वो जन्म से ही अंधे थे, और जन्म से अंधे होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे रहते थे, और उनके भक्ति से रिलेटेड बहुत सारी कविताएं लिखे, जिसके कारण इनको पॉपुलैरिटी मिली, और एक महान जो है विद्वान के रूप में अपने ज़माने में थे। और सीधी सी बात है, 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ, दैट मीन्स ये भी भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि, भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि इनको माना जाएगा। इनके द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं की चर्चा करते हैं। कुछ काव्य संग्रह है इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें एक है सूर सागर। सूर सागर इनका एक काव्य संग्रह है, जिसमें बहुत सारी कविताओं को इन्होंने संग्रहित किया है। साथ ही साथ देखा जाए तो साहित्य लहरी, ये भी इनके द्वारा लिखा गया था, साहित्य लहरी। राधा रस केली, ठीक है, राधा रस केली, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है, का मतलब जो है आप कह सकते हैं काव्य संग्रह इसको, ठीक है। फिर इसके बाद सूर सरावली, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। तो ये चार नाम, सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली और सूर सरावली, ये जो है सूरदास के द्वारा रचित है। आपको हम अभी बताएं कि सूरदास जो है ये श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण भक्ति में विलीन रहते थे हमेशा, और श्री कृष्ण भक्ति के ही बहुत बड़े कवि थे। अब देखिए, जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी सूरदास का जो पद हम लोग पढ़ने वाले हैं, सूरदास का ये जो पद है ये कहाँ से संकलित है, तो सूरदास का एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है सूर सागर।
इसी सूर सागर से संकलित है, यानी इसी सूर सागर से ये सूरदास के दोनों पद लिया गया है जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस दोनों पद में किस चीज़ की व्याख्या किया गया है, तो आपको बता दें कि इस दोनों पद में वात्सल्य रस की व्याख्या किया गया है। वात्सल्य रस का मतलब कि अपने पुत्र और पुत्रियों के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है उसी को वात्सल्य रस कहा जाता है। तो इसी वात्सल्य रस का वर्णन जो है इस कविता में देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको सूरदास के दोनों पद को लाइन बाई लाइन समझाते हैं। तो देखिए सूरदास के दोनों पद यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम इसको आइए पहले कविता के धुन में पढ़ के सुनाते हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से गुनगुनाते हुए पढ़ें और उसके बाद हम लाइन बाई लाइन इस दोनों पदों के मतलब को समझाएंगे। आपको बता दें कि पहला जो पद है इसमें सूरदास जी ऐसी बातों को लिखे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को भोर में जगाने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरे कविता में भी ठीक है वात्सल्य रस जो है जो माता पिता का प्रेम होता है अपने बच्चों के साथ उसको यहाँ पे शो किया गया है। तो आइए समझते हैं, पहले दोनों पदों को पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन हम इसके अर्थ को समझाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है पहले पद में, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामबति गोखरी कनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अम्बुज कर धारी। तो ये आपका पहला पद था। अब देखिए दूसरे पद को भी हम आपको सुनाते हैं, जेवत श्याम नंद की कनिया कछुक खात कछु धरनी गिरावत छबि निरखति नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी मुख नावत छबि धनिया, अपन खात नंद मुख नावत सो छबि कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिल सतो नहि तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया, मांगत सूर जुठनिया। तो आइए देखिए हम आपको लाइन बाय लाइन अब इस दोनों पद के मतलब को समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें माता यशोदा द्वारा बालक श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, सुबह का समय हो गया है और सुबह होने का प्रमाण दिया जा रहा है, सुबह होने का अनेकों प्रमाण माता यशोदा दे रही है और कह रही है जागिए ब्रजराज कुंवर। ब्रजराज कुंवर ये भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया शब्द है, तो कह रही है कि हे श्री कृष्ण आप जागिए, कमल कुसुम फूले यानी अब कमल के फूल भी खिल चुके हैं जो सुबह होने का प्रमाण है, तमचूर, तमचूर मतलब मुर्गा, खग माने चिड़िया, रोर सुनहु अब मुर्गा भी बोलने लगे हैं, चिड़िया का भी रोर, चिड़िया का भी आवाज सुनाई दे रहा है, बोलत बन राई जो वृक्षों पर चिड़िया चढ़कर वनों में वनों से चिड़िया के बोलने का आवाज आने लगा है, रामभति गो खरी कनी में यानी अपने बाड़े में अब गाय भी, गो मन गाय, गाय भी अब रंभाने लगी है यानी गाय भी अब बोलने लगी है, बछड़ा हित धाई अब गाय के पीछे उसका बछड़ा भी दौड़ने लगा है, विधु मलिन, विधु मतलब चंद्रमा, मलिन यानी अब चंद्रमा जो है मलिन हो चुके हैं यानी चंद्रमा जो है अब डूब चुके हैं, रवि प्रकाश यानी अब सूर्य का प्रकाश निकल आया है, गावत नर नारी यानी अब अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में सारे नर और नारी लग चुके हैं यानी सारे पुरुष और स्त्री अब अपने दैनिक क्रियाकलापों में लग गए हैं, गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो यानी हे श्याम, श्याम का मतलब श्री कृष्ण का ही नाम है, सूर श्याम प्रातः उठो हे श्याम आप सुबह में उठिए, आप सुबह में जल्दी उठिए, अम्बुज कर धारी, अम्बुज कर धारी का मतलब कमल का फूल धारण करने वाला उसी को अम्बुज कर धारी कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार पहले पद में सुबह होने का अनेकों प्रमाण देकर माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को जगाने का प्रयत्न कर रही है। अब दूसरे पद में क्या हो रहा है आप खुद ही सुनिए और समझिए, जेवत श्याम नंद की कनिया, कनिया माने गोद यानी श्याम जो है
यानी बालक श्री कृष्ण जो है वो अपने पिता नंद की गोद में बैठे हुए हैं और अब अपने पिता नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कछुक खात कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ भोजन खा रहे हैं कुछ भोजन धरती पर गिरा रहे हैं। छबि निरखति नंद रनिया, और नंद की जो रानी है यानी बालक श्री कृष्ण की जो माता है जशोदा, क्योंकि श्री कृष्ण के पिता नंद है उनकी जो रानी है यानी श्री कृष्ण की जो माता है, वो इस छवि को यानी शोभा को निरख रही है, इस शोभा को देख रही है। क्या गजब का नज़ारा है कि बालक श्री कृष्ण जो अति सुंदर हैं और वो किस प्रकार भोजन कर रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं कुछ खा रहे हैं, यह शोभा जो है काफ़ी प्रशंसनीय है। बरी बरा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया, यानी बरी है बरा बेसन है बहुत सारे प्रकार के व्यंजन जो है अंगन माने उनके आंगन में पड़ा हुआ है। डारत खात लेत अपने कर, वो खाना जो है भोजन जो है उठा रहे हैं अपने से ही खा रहे हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, वैसे बहुत सारे प्रकार का भोजन है विविध व्यंजन अंगनिया, यानी बहुत सारे प्रकार के उनके आंगन में भोजन पड़ा हुआ है, लेकिन उनका जो रुचि है उनका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है, दधि दुनिया यानी दधि का जो पात्र है दधि दही का जो घड़ा है उसमें उनका रुचि है। एकदम अपने हाथ से दही उठा के ये ले, वो जो आनंद है उनको उस तरह से खाने में, और वो जो दृश्य देखते ही नहीं बनता है उसी बात का सूरदास जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, यानी मिश्री दधि यानी दही मक्खन, ये मिश्री है दही है मक्खन है, इसको मिश्रित करी यानी इसको आपस में मिलाकर, मुख नावत छवि धनिया, इसको आपस में मिलाकर और फिर इसको अपने मुख में डाल रहे हैं, और ये जो छवि है ये बहुत ही सुंदर है। क्या गजब का ये दृश्य है। आप उन खात नंद मुख नावत, यानी नंद के गोद में बैठे हैं, आप उन खात यानी अपने भी खा रहे हैं, नंद मुख नावत नंद के भी मुख में खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और यह जो शोभा है यह कहते नहीं बन रहा है। क्या गजब का शोभा है। आगे कहा जा रहा है जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। अब जो तीनों लोक के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण, जब वो बालक के रूप में है और ये जो सुंदर दृश्य है ये जो सुंदर नजारा है, उस दृश्य का जो रस उस दृश्य का जो खुशी नंद और जसोदा को मिल रहा है, बालक श्री कृष्ण के माता और पिता को जो वो रस मिल रहा है जो आनंद मिल रहा है देखकर, सो नहीं तिहु भुवनिया, वह इस तीनों लोक में और किसी को ऐसा रस और किसी के भाग्य में नहीं है, ऐसा सूरदास जी कह रहे हैं। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, अब तो भोजन करके जो नंद है और बालक श्री कृष्ण है, ये नंद भोजन करके अचमन लीन हो यानी अब कुल्ला गलाली कर रहे हैं हाथ अचर रहे हैं, लेकिन मांगत सूर जुठनिया, और सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण का बालक श्री कृष्ण का बस जुठनिया मांग रहे हैं कि हे नंद केवल हमें बालक श्री कृष्ण का जूठा थोड़ा सा मिल जाए, जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। इतना ज़्यादा भक्ति की भाव है भगवान श्री कृष्ण को लेकर सूरदास के अंदर। तो ऐसे ही कृष्णाश्रयी धारा के एक महान कवि सूरदास नहीं है, जाते जाते लास्ट पंक्ति में जो भक्ति का परिचय उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा भोजन करिल नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया, यानी हे नंद हमको बस बालक श्री कृष्ण का थोड़ा सा जुठन मिल जाए, खाकर उसी को हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो कविता में आनंद था जो सूरदास की कविता को हम लोग पढ़कर समझे, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कविता में काफ़ी आनंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम आपको इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पोएट्री सेक्शन के सारे चैप्टर्स को अच्छे ढंग से हम समझकर कंप्लीट करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे रेगुलर अपडेट्स के साथ।